गपशप प्रोग्राम लेकर आए हैं आपके लिए, सारा कुछ आपको बताएंगे। सौरभ खोकर साहब जो कि 333 गाड़ी इतनी रखने की क्या जरूरत है, पाकिस्तान का कल्चर है यहाँ तो, मेरे पास पूरी फोर्स है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा करप्ट है, सबसे ज्यादा चोरी की, उनको ज्यादा सिक्योरिटी रखनी के साथ पूरा एक आर्मी का स्क्वाड है। क्या बात बोली, क्या सिक्योरिटी रखनी पड़ती है। मैं सच की बात करता हूँ ना जी, कुछ छेड़ते नहीं, पर अगर आप कुछ छेड़े तो मैं बिल्कुल उसकी नस्ल छेड़ देता हूँ। आपके ऊपर इल्जाम बहुत ज्यादा हो जाते हैं, क्यों? चपलूसी करना शुरू कर दूं तो मेरे पे इल्जाम ना लगे। मेरे लिए फेक काउंटर तैयार किया गया, मैं बच गया। गाड़ी में बैठते साथ पहला काम क्या करते हैं? मैं दुआ पढ़ता हूँ। सच है, फिल्म बनाई जाए, फिल्म का नाम आप क्या देंगे? डॉन लिख देंगे। मैं अपनी फील्ड में भी जा रहा हूँ, पार्टी अभी मेरा दिल करता जी पीटीआई से। जो गोली लगी वो सही था या गलत? गलत था जी, सही तो हो ही नहीं सकता। फिल्में देखने का शौक है? मैंने अभी पिछले दिनों देखी मुला जाट। शायरी की थी आपने कभी? शायरी के टाइम हमने जेल में पटियाला सा। मलिक रियाज या आसिफ जरदारी? मलिक रियाज। मरियम या इमरान खान? इमरान खान। मीरा या वीना? वीना। राणा सनाउल्ला जो दिन था? राणा सनाउल्ला। काशिफ अब्बासी या अहमद मीर? काशिफ्बासी। ख्याल कैसे आया आप? यूथ को बहुत पसंद था। नंबर 3 इतनी ज्यादा गाड़ी पे लग जाते सेम नंबर, वो सीरीज आ जाती गाड़ी में फेक नंबर लगे हुए। मेरी जितनी गाड़ियां हैं सबको ओरिजिनल नंबर लगे हैं, ये बात बहुत थी कि मेरे पास अब 2 नंबर गाड़ी है। तो आपके पास जो भी चीज है वो ऑल क्लियर डॉक्यूमेंट्स क्लियर? हां अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पास इस टाइम 6 शेर हैं, बब्बर हैं, लोगों की हेल्प करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पैगाम आप नमाज पढ़ते हैं? पढ़ता हूं अल्हम्दुलिल्लाह, बचपन से पढ़ता हूं। सर फोकस से मुलाकात करने का सबसे आसान तरीका क्या है? कोई सवारिश ना करें, बस डेरे पे आ जाकर बैठो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉट टॉक विद राजा ज़ैन रहमान। गपशप प्रोग्राम लेकर आए हैं आपके लिए। गपशप हम करेंगे जो ड्राइंग रूम की गपशप होती है उस तरह की, आज हम गपशप करेंगे। हमारे जो गेस्ट हैं उनके नाम से, उनके जो बुजुर्ग हैं उनके नाम से, हमारे जो पिंडी इस्लाम बाग की जितने भी अवाम हैं, जितने भी लोग हैं, बड़े अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं मुख्तलिफ़, मतलब अगर मैं बात करूँ कि मतलब डिफरेंट लाइफ स्टाइल है, बाकी लोगों से थोड़ा सा डिफरेंट है उनका। कैसे लाइफस्टाइल मेंटेन किया जाता है, कैसे खुश रहने के लिए क्या करते हैं, नाम बना के कोई फ़ायदा हुआ नुकसान हुआ, परेशानी में रहते हैं खुश रहते हैं, सारा कुछ आपको बताएंगे इस प्रोग्राम में। हमारे साथ मौजूद है फ़ारूक खोकर साहब जो कि एक समाजी और सियासी शख्सियत के मालिक हैं। सर थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया हमें। सर बताइएगा, स्टार्ट करते हैं आपके नंबर से, 333 से, इसका साइन है 3 उंगलियों का, ये ख्याल कैसे आया आपको? आपने रखा या आपसे पहले किसी ने रखा? 333 मैं बताया ना कि अल्लाह पाक ने एकदम, जब मैं जेल गया यूथ को बहुत पसंद था मैं, तो जब मैं बाहर आया हूँ तो 333 बहुत वर्ल्ड वाइड फैल चुका था। नहीं तो जब आपको कैद होगी आपको ये नंबर 3 इतनी ज़्यादा गाड़ियों पर लग जाते हैं, आज का तो अच्छा नंबर अपना नंबर लेने जो नहीं मिलता, तो आपको 333 कैसे मिल जाता है? सीरीज पीछे चेंज है, अल्फ़ाबेट चेंज है, आगे सेम नंबर वो सीरीज आ जाती है। मुशरफ साहब के साथ हम दौर में थे तो इजी था। एक दौर में कहा जाता था कि आपकी गाड़ी में फेक नंबर लगे हुए हैं? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी जितनी गाड़ियाँ सबको ओरिजिनल नंबर लगे हैं, बल्कि कई दफ़ा डेरे पे जब हम अंदर थे रेट हुए जी, तो वो साथ मशीन लेके आते थे, कंप्यूटर लेके आते थे, उसी टाइम चेक करते थे, क्योंकि ये बात बहुत थी कि मेरे पास सब 2 नंबर गाड़ियाँ, 2 नंबर उसके नंबर प्लेटें, तो चेक की तो उन्होंने तो हमें शाबाश दी कि आप कभी आपने छापा पड़ा हो तो आपके डेरे से कुछ चीज़ें लेके गए हैं आज तक लोग नहीं मतलब डिपार्टमेंट से लेते नहीं, ऐसे कोई चीज़ नहीं लेके गए कभी, मतलब आपके पास जो भी चीज़ है वो ऑल क्लियर डॉक्यूमेंट्स क्लियर है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, गाड़ी है वो उसके कागज असल है तो उसके लाइसेंस है। आपके ड्राइंग रूम में मैं अभी आपका देख रहा था, बाहर डेरा भी घूम फिर रहा था और आपके ड्राइंग रूम में बैठे हुए, आपकी जानवरों की काफ़ी ज़्यादा स्टाफ की चीज़ें नज़र आती हैं, शौक है या क्या वजूहत है? वाला साहब का शौक था। आपका नहीं है? मेरा नहीं, मेरे पे डाइवर्ट हुआ है, तो ये जो मेरे अपने कीमती जानवर मर जाते हैं क्योंकि पाकिस्तान में नायाब चीज़ें इस तरह मिलती नहीं है, तो मैं उनको स्टफ़ करा लेता हूँ जो मेरे कीमती जानवर मरते हैं। ऐसे मुझे बताइए कि इस टाइम आपके डेरे पे कितने जो है जानवर हैं, उनके नाम क्या हैं, मतलब कौन कौन सी नस्ल के जानवर हैं आपके पास? मेरे पास इस टाइम 6 शेर हैं, बब्बर हैं, 6 बब्बर शेर हैं जी। लाइसेंस? जी लाइसेंस है अल्हम्दुलिल्लाह वाइल्ड लाइफ का। 2 वाइट लायन हैं, ऑस्ट्रिच हैं, क्रोकोडाइल हैं, इस तरह के काफ़ी जानवर हैं जी। अच्छा मुझे बताइएगा, अक्सर आप जिक्र करते हैं, आपकी इंटरव्यूज हमने देखे उस पर आपने जिक्र किया कि आप लंगर वगैरह की तरफ आपका काफ़ी रुझान है, मतलब काफ़ी लोग आप हेल्प करते हैं बेवा औरतें थी, मैं आपको स्पेशल चाइल्ड का प्रोग्राम भी देखा था जो आपने उनको डोनेशन की, ये किसकी रिकमेंडेशन पे आप करते हैं? मतलब आपको कोई भी रैंडम या कि कह देता है कि ये दारा है फलाएँ दारा है इसको आप हेल्प करें, या आप प्रॉपर स्क्रूटनी करते हैं आप उसकी? हाँ मेरी टीम है, मेरे बंदे हैं, वो जाके उधर चेक करते हैं कि वाकई ये नीड है या नहीं है। जिस तरह अभी कोई आएगा कहेगा मेरी बच्ची की फ़ीस जमा करा दे, बेटे की फ़ीस जमा करा दे, तो मैं उस शख्स को पैसे नहीं दूँगा, मैं उस यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल में मेरा बंदा जाएगा फ़ीस जमा करा देगा, किसी के बिजली का बिल है
तो मैं बंदे को पैसे नहीं दूंगा, ठीक है, वहां पे जाके बैंक में वो उनका बिल जमा कराएंगे। अच्छा, ये तो इनडायरेक्टली हम उसको ये कहूँ कि मतलब आप लोगों की हेल्प करते हैं, जितना अल्लाह पाक ने तौफीक दी, लोगों की दुआएं भी आपके साथ होंगी अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर आपको गार्ड इतने रखने की क्या जरूरत है, आप तो दुआएं लेके चलते हैं। पाकिस्तान का कल्चर है, इस्लाम हमें सिखाता है कि आप गार्ड बंदे अपनी हिफाजत में चलो, पाकिस्तान का कल्चर है, मजबूरी है। जब बाहर होता हूँ तो नहीं होते साथ, दोस्त यार होते हैं दो तीन। अच्छा, तो यहाँ पे अभी आपके साथ कितने गार्ड्स हैं? यहाँ तो मेरे पास पूरी फोर्स है, यहाँ तो पाकिस्तान में तो पूरी फोर्स है। सारे डेरे पे नहीं है, मेरे है? अपने फार्म हाउस हैं, कुछ अपने रकबे हैं, कुछ ज़मीनें हैं, अलग अलग होते हैं। जब मैं निकलता हूँ तो सारों को बुला लेता हूँ, इकट्ठे हो एक जाते हैं। वक्त आया तो मुझे बताइएगा इस स्टेटमेंट से आप कितना जो है इतफाक करते हैं कि कहा यह जाता था कि जो बंदा पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा करप्ट है, जिससे सबसे ज़्यादा चोरी की, जब ये नवाज शरीफ उनके दौर की जी बात कर रहा हूँ मैं, तो उनको ज़्यादा सिक्योरिटी रखनी पड़ती है, इस स्टेटमेंट से कितना आप एग्री करेंगे? सिक्योरिटी तो मौलाना तरजमील साहब के साथ पूरा एक आर्मी का स्क्वाड है, रेंजर का, मेरी मुलाकात होती रहती है, मेरे बुज़ुर्ग हैं, कोई स्कॉलर भी है, कोई मजहबी भी है, पाकिस्तान में सिक्योरिटी मस्ट है। वजह खदशात हैं जी, हमारा मुल्क बदकिस्मती से इतना पुर अमन नहीं है, अटैक होते हैं। चलो मुझे एक चीज़ बताएं कि आपको ऐसा क्या खदशा है कि आपको लगता है कि मुझे सिक्योरिटी अपने साथ रखनी चाहिए? दुश्मनी है। अभी एक छोटा सा वाक्य आपको पता होगा, एक वज़ीर आ रहे थे जो नरान का कान बाबू सटॉप से उनको उठा के ले गए, एक हाजर सर्विस वज़ीर, उन्होंने शर्तें रख के इसको वापस किया। तो उस टाइम आपको उठाने बेइज्जती से अच्छा है कि आपके पास गार्ड हो, कम से कम उनका मुकाबला तो कर सके। उन वज़ीर की अगर बैकग्राउंड में जाएं तो उन्होंने कोई ऐसी बात बोली होगी जिस वजह से उनको उठा के ले गए? बोली होगी, सियासत में बोलनी पड़ती है। आपने ऐसी क्या बात बोली कि आपको सिक्योरिटी रखनी पड़ती है? मैं अक्सर सच की बात करता हूँ ना जी, मैं किसी गवर्नमेंट पाकिस्तान से में फक सच की बात नहीं कर सकता। नहीं, मैं किसी गवर्नमेंट से नहीं डरता, मैं किसी अदा अपनी आप में रहता हूँ। मुझे कोई गवर्नमेंट कहे कि आप ये करो वो करो, मैं नहीं मानता। मतलब आप किसी को छेड़ते नहीं, पर अगर आप कुछ छेड़े तो मैं बिल्कुल उसकी नस्ल छेड़ देता हूँ। बिल्कुल ठीक। अच्छा, फेवरेट जगह आपकी कौन सी है? आपको मतलब यहाँ से आज आपको मूड बोर हो गया, आप घर बैठे बैठे सबसे करीब तरीन कौन सी जगह आप गए यार? आज मैं बस जान में खुमराट बहुत पसंद है जी। करीब तो नहीं है सर, बड़ा दूर है। दूर है लेकिन 7 घंटे लगते हैं अपर दीर तक। मुझे घुमराट बहुत पसंद है। आप एक तो मोटर पे ट्रेवल कर रहे थे तो आपको प्रोटोकॉल मिला था, उसके ऊपर आपको DSP वगैरह सस्पेंशन हो गई थी? जी बिल्कुल, पेशावर में। हाँ, वो भी मैं सबूत दिए। मैं वहाँ पे यतीम खाना अदारे में गया था, वहाँ पे पाँच बंदों की बच्चों की कफालत ली, वो हर साल की फीस जमा कराते हैं, वो आपकी कफालत में आ जाते हैं। ठीक है, उस अदारे में मैं गया था, मैंने वो चेक जमा कराने। सर तो आपकी अपनी सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा थी, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी लेने की क्या ज़रूरत नहीं थी? पुलिस का तो अपना प्रोटोकॉल है, आपको रास्ता देते हैं, आपको तंग नहीं करते, आपको नाके भी नहीं रोकते। मैं तो कई दफ़ा रुकता हूँ, अपने लाइसेंस, असला, आईडी कार्ड, गाड़ियों के परमिट, बम प्रूफ गाड़ी के परमिट, वायरलेस के परमिट, वो चेक कराता हूँ। पुलिस आते हो तो आप नहीं चेक कराएंगे? तो जब आप इतना डॉक्यूमेंट कैरी करते हैं, डॉक्यूमेंट वैसे पहले तो पूरा करना आसान काम तो नहीं होगा, पाकिस्तान है, कोशिश करें तो बनता है। कौन सा लाइसेंस कौन सी मिनिस्ट्री का आपको नहीं मिलता? एक फाइल मेरी गाड़ी में पड़ी है जिसमें मेरी हर चीज़ मौजूद होती है। आपके ऊपर इल्ज़ाम बहुत ज़्यादा लगते हैं, क्यों? मैं आपको बताया कि मैं अगर आज किसी के आगे झुकना शुरू कर दूँ, मैं भी किसी की चपलूसी करना शुरू कर दूँ तो मेरे पर इल्ज़ाम ना लगे। मुझे कोई एक ऐसी बात बताएं जो आपके वाले साहब का, क्योंकि उनका बड़ा नाम था जी, और कोई एक ऐसी बात जो एक याद आपके दिल में, मतलब उठते बैठते आप ऑब्वियसली हर बात इंसान की याद रहती है, कि कुछ एक स्पेसिफिक चीज़ रह जाती है इंसान के दिल में। देखें जी, मेरे वालिद साहब मेरे उस्ताद भी थे, मैं उनके बहुत करीब था, तो उनकी पूरी लाइफ स्टाइल को अभी भी मैं कॉपी करने की कोशिश करता हूँ, अगर थोड़ा सा भी हो जाए। बस उनकी हर चीज़ मेरे दिल में, सब्र करना, घबराना नहीं, हर चीज़ मेरे दिल में सुबह शाम। एक ऐसी याद जो कोई रास्ते में जाते हुए कभी हो, कि वो वाकया हो गया हो जिसमें आपको लगा हो कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए था, लेकिन उनने बड़ी समझदारी से ये कर दिया। बिल्कुल, जब मेरे पास कोई वाकया केस आता है कि कोई या कहीं रोड पे चलते, तो वो बड़ा सब्र से काम लेते थे, बहुत सब्र से उनके साथ वक्त का इंतजार करते थे जी। बहुत सुनने में काफ़ी लोगों को गिला है जी कि आपकी गाड़ियों वाले साइड बहुत ज़्यादा मारते हैं दूसरी गाड़ियों को। नहीं, किसी की सिक्योरिटी में आपको आना ही नहीं चाहिए। मैं कई दफ़ा जाता हूँ, आजकल एक ट्रेंड चल गया, हमारे दौर में नहीं था, पंगे लेना नहीं, साथ वीगो डाला रखना, जिसके पास थोड़े से पैसे हैं उसने स्क्वाड रखा हुआ है। तो कोई भी स्क्वाड है, आप उसमें ना इंटर हो, आप उसमें गाड़ी ना साथ जोड़ें, क्या पता लगे क्या मामला है। मैं भी जब किसी का स्क्वाड देखता हूं साइड निकाल लेता हूं। बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल ठीक है। मुझे बताइएगा कितनी गाड़ियां हैं जो आपके साथ, जब भी आप निकलें कॉन्वॉय कितना मूव करता है आपके साथ? एक मेरी अपनी बम प्रूफ गाड़ी है जी, 7-8 वीगो होती हैं, बाकी दोस्तों यारों की कारें वगैरह, छोटी मोटरसाइकिल।
आपकी फैमिली का मैं, क्योंकि मुसवाब के साथ हमारी भी बड़ी अच्छी गपशप है, आपकी फैमिली का जो पस मंजर, अगर मैं उसको बयान ऐसे करूँ कि आपका पॉलिटिकल फैमिली बैकग्राउंड है जी, नवाज खोकर साहब का भी और सारा आपके अपने वाले साहब का, आपने कोई तैयारी की है इलेक्शन करने की? इंशाल्लाह कोशिश है जी, कोशिश है, तैयारी है या सोच तैयारी नहीं या सोचूंगा? नहीं नहीं, मतलब कोशिश है, तैयारी सर देखिए, तैयारी करता हूं, सोच ली है, सोचूंगा या आऊंगा, तीनों में से एक कोई ऑप्शन, आऊंगा। कब तक आएंगे? जब मेरे ये थोड़े बहुत केस खत्म हो जाएंगे झूठे में। उस पर पार्टी कौन सी होगी? पार्टी अभी मेरा दिल करता है जी पीटीआई से हूँ। पीपल्स पार्टी भी छोड़ दिया? नहीं, मुसवा भाई है ना उसमें। अब भाई पार्टी को शुरू से किसके साथ हैं आप लोग? मैं किसी शुरू से किसी के साथ नहीं हूँ, मेरा पूछ रहे हैं, मेरी मैं आपसे पूछूं? बिल्कुल नहीं, मैं किसी के साथ नहीं हूँ। आपकी डेयरी पे तमाम बड़ी शख्सियात आई हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आप खान साहब क्यों नहीं आए अभी तक? खान साहब को अभी तक दावत नहीं दी हमने। कब देंगे गोली? लगी उसके बारे में 2 मिनट का एक छोटा सवाल करूंगा आपसे, जो गोली लगी वो सही था या गलत था? गलत जी, सही तो हो ही नहीं सकता। मारी गई, प्लान था या ड्रामा? देखिए जी, जितना मैं समझता हूँ या मैंने केसों को देखा हुआ है, वो कुछ साइको सा लड़का है, उसने मार दी जज्बात में आके, मजहबी लड़ाई छेड़ी गई है, तो उसमें गलत हुआ। एक लीडर को इस तरह नहीं मारनी चाहिए। आपने अपनी जिंदगी का खास तरीन हिस्सा, मतलब जवानी होती है, वो अपने जेल में गुजारा है, रिग्रेट होता है? हाँ बिल्कुल होता जी, पीक लेवल था मेरी जवानी का। क्या सोचते हैं फिर आज आपको रिग्रेट होता? बस वो साल तो जाया है, वो तो नहीं वापस आ सकते। तो अल्टरनेट भी तो आपने कभी सोचा होगा? नहीं, वो तो देखें अल्लाह पाक निज़ाम चलाता रहता है, बाहर आके अल्लाह ने और इज्जत तरक्की दी, लेकिन अगर आप उन सालों की बात करें, उस सालों में और कारोबार करता। इमरान खान से कभी ज़ाती मुलाकात की पेशरफ्त हुई हो कभी आपको, या कभी आपको पेशकश हुई होगी इमरान खान साहब से मुलाकात कराते हैं? क्योंकि उनके करीबी हैं मेरे वजीर, तो वो बुलाते रहते हैं, मैंने क्या आज तक। मारने वाले से बचाने वाले की ज़ात बड़ी होती है, ये सही है सर। 100% अक्सर आपने कहा है कि मैंने बड़े मौत करीब से देखी है, वो वाकया सुना है आज मज़ेदार सा। मैं वापस जा रहा था तारीख पे से जेल, तो मेरे लिए फेक काउंटर तैयार किया गया। अच्छा, हालांकि मैं अकेला था, हथकड़ियों में था, तो पुलिस वालों सामने बंदूकों के बुलट मार लिए। एक बंदा है जो कैद में है, फुल तैयारी में नहीं है या जहन ही नहीं है, तो वहाँ पर मुझे अल्लाह ताला ने बचा लिया। सर गाड़ी तो सारे मुअत्तल भी हो गए, उनके साथ बुरा भी हुआ, मैं बच गया। आप देखें, आपने एक ट्रेंड लाया जी काली गाड़ियों का, लोगों काफ़ी से लोगों ने उसको अडॉप्ट किया। सारों को पता है आपके पास गाड़ियों का शौक़ है, जानवरों का शौक़ है, इसके अलावा कोई ऐसा शौक़ बताएं जो आम बंदों को ना पता हो, देखने वालों को, यार के फ़र्क होकर का ये शौक़ भी है मेरा? एक तो गाड़ी वाला ठीक है, आप कह रहे हैं शौक़ जानवर हो गए, दो हो गया, तीसरा को बताएं सर। शौक़ अच्छी जगह जाने का जी, ट्रैवलिंग का, ट्रैवलिंग का मुझे बहुत शौक़ है बचपन से। फेवरेट जगह पाकिस्तान में? नहीं, जो भी आपकी फेवरेट जगह कोई भी हो सकती है। मुझे दुबई बहुत पसंद है, आउट ऑफ कंट्री बहुत पसंद है, पाकिस्तान में मुझे नॉर्थन एरिया बहुत, मुझे बहुत अच्छी लगती है। फिल्में देखने का शौक है सर? फिल्में देखने का शौक है? मैंने अभी पिछले दिनों देखी है पाकिस्तानी फिल्म। कौन सी? मुल्ला जाट। रिव्यू दे चले उसके बारे में सर, टाइम जाया किया या? नहीं नहीं, मुझे अच्छी लगी है, मैं तो खुश होता हूँ पाकिस्तान की कोई मूवी ऊपर जाए। फिल्मों में जाने का शौक भी है? नहीं। फिल्मों की तरफ से ऑफर आई कभी आपको, गाड़ियाँ इस्तेमाल करनी है, डेरा इस्तेमाल करना है कभी? डेरे पे तकरीबन हर दूसरे दिन शूटिंग होती है जी, तो मुझे उन्होंने कई दफ़ा कहा ड्रामे में आपसे बैठो या चलो, वो मैं नहीं करता। गाड़ी में बैठते साथ पहला काम क्या करते हैं? गाड़ी में बैठते सर मैं दुआ पढ़ता हूँ। सच है? गाने का शौक है सर? नहीं, सुनता हूँ अगर टाइम मिले, सुनता हूँ बिल्कुल। कौन सा गाना सुनते हैं? ये इंडियन आम सॉन्ग, मतलब खास उसका नहीं है, लेकिन जो गाने सुनता हूँ वो पाकिस्तानी। बड़े अच्छे गाने पाकिस्तानी मैंने बहुत कम सुने हैं जी। गाने गाते नहीं फतेह अली खान साहब के सुने? नहीं, कभी भी शौक नहीं रहा। किस चीज़ का शौक ज़्यादा, किस चीज़ का आपको? उन दो गाड़ियों को, जानवरों को छोड़ दें। ट्रैवलिंग का, ट्रैवलिंग का। और बस आपको दिल करता है मैं घूमता रहूँ? हाँ, मेरी एक सोच है कि पूरी दुनिया अल्लाह पाक ने बनाई है, मुझे वाकई बचपन से ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। शायरी की सर आपने कभी? नहीं, शायरी का टाइम हमने जेलों में गुजार दिया। अच्छा, जेलों का एक्सपीरियंस तो बताएं जरा, हम देखने वालों के लिए अडियाला बड़ी मुश्किल जगह है, हर बंदा नहीं काट सकता। अडियाला सख्त है, अडियाला में एक तो सर आपने वहाँ बड़ी बोरिंग श्रिंक कराई है। पटियाला में मैंने सिर्फ बोरिंग नहीं कराई, मेरे दौर में कोई फॉरनर से ले के, गरीब से ले के बंदा जुर्माने पे नहीं रहा मेरे दौर में। ये आप मेरे जब दौर से गया हूँ, एक रिकॉर्ड होता है ऊपर पड़ा हुआ जी, 2013 से 18 तक आपने चेक करना, एक बंदा भी ऐसा नहीं है कि जो इस चीज़ पे रहा हो। तो ये सब करने का प्रोटोकॉल मिलता था आपको वहाँ पे?
प्रोटोकॉल मुझे अल्लाह की तरफ से बचपन से ही मिला जी, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, शुरू से मेरे अल्लाह ने नसीब में मेरे प्रोटोकॉल लिखा हुआ। अगर आप ज़िंदगी के ऊपर एक फिल्म बनाई जाए, फिल्म का नाम आप क्या देंगे? मेरे पास बिल्कुल बायोग्राफी, मेरे ज़िंदगी भी बनाने के लिए काम शुरू है, आए हैं लोग, अभी शुरू है, ये भी नाम आपको क्या बताओ। देंगे? सोचा तो होगा। नहीं मैंने तो नहीं सोचा, नाम मैंने अभी तक नहीं सोचा। वैसे क्या होना चाहिए नाम? आप डॉन लिख दें जी। डॉन दो तीन तीन तो आ गई है अब आपकी, कौन सा पाकिस्तानी नंबर पहली डॉन होगी? पाकिस्तान का नंबर वन, पाकिस्तानी डॉन नंबर थ्री, नंबर वो 333 आगे लिख दें। ये तो थ्री आएगा ना, एक ही नंबर आएगा सर, वन थ्री लिख दें। अभी मैंने बताया कि काम शुरू है, बायोग्राफी बना रहे मेरी जिंदगी में। सर मुझे मेरी बात का जवाब तो देना सर, डॉन वन टू या थ्री? थ्री थ्री पसंद है मुझे। तो हम भाई भी तीन पहले पे कौन है? नहीं वैसे डॉन का, पाकिस्तान का बड़ा डॉन कौन है सर? पाकिस्तान में वो यहाँ पे जिसके पास ताकत है, वर्दी है, वही सर ना करें ना, नाम बताए ना डॉन कौन है सर? पाकिस्तान में ऐसा कोई कोई कौन गुजरा है जी, जो हुए हैं अपने अपने वक्त के साथ। फिर आपने अपने आप को तीन क्यों दिया? तीन बोले मैं डॉन नंबर वन हूँ। नहीं तीन नंबर मुझे पसंद है, तीन नंबर आपको, तीन नंबर मुझे वैसे बहुत पसंद है। जरा दूसरे मामलात की तरफ आ जाए, अपने आप को तीन क्यों दिया? पहले नंबर पे कौन आप पूछ रहे हैं? या आप अपने आप को पहले नंबर खुद कह रहे हैं, मैं पहले नंबर? अच्छा फिर मैं पुराने दौर की बात करूंगा, क्योंकि मैं जेल में हिस्ट्री बहुत पढ़ी है, मैं जेल में जो टाइम था मैंने वो किताबों में दिए। ठीक है, पुराने दौर में जाएं तो चिराग बाली था, मैंने उसको बड़ा इंस्पायर था उसकी जिंदगी से, ये सच्ची बात है। नहीं तो उसकी जिंदगी पढ़े ना, अगर मैं हमें दूसरी तरह बताया गया, आप उसकी जिंदगी के अच्छे पहलू भी पढ़े, वो किस तरह आया क्या हुआ। फरूख खान खोकर साहब को चिराग बाली को कोई भी नहीं देख रहा सर, आप बताएं आपका नंबर कौन सा, पहला दूसरा या तीसरा? 333 को छोड़ के तीसरा मुझे पसंद है सर। फिर आप फिकर पे 333 की वजह से जा रहे हैं ना, पहले दो बंदों का नाम बताएं। अभी हाजर सर्विस कोई भी नहीं सर, कॉम्पिटिटर तो होगा ना मार्केट में, जब कोई चीज आती है तो उसका एंटी नोट सबसे पहले आता है। यकीन माने कोई भी नहीं है जी। मैं आपको बात बताता हूँ, मुझे कोई आप नाम आपने सर्च करके बताना है, जो कोई बंदा डाउन हो या कोई इस तरह हो और वो जुआ और शराब ना करता हो, मैं नहीं करता। सबसे बड़ा झगड़ा आपका कौन सा हुआ है? गले पड़ गए हो जिससे आप जान छुड़ाने की कोशिश कर रहे हो, जान में छोटे जान छुड़ाने से बुरा नहीं कि आप पीछे हट गए हो, मतलब यार बस दफा करो काम साफ। ऐसा कोई भी नहीं है जी, मैंने कभी किसी चीज़ से ना घबराया हूँ ना जान छुड़ाई, मतलब अल्लाह ने वक्त के साथ सब हल किए। रात को सोए जी, सुबह उठे आपको लगा आप वज़ीर आज़म बन गए, तो उठते साथ सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? आँख खोलने के अलावा सर वो तो बंद है ना। सबसे पहला काम आपने कभी सोचा वज़ीर आज़म बन सकते हैं? नहीं मुझे शौक भी नहीं, मैं अपनी फील्ड में वज़ीर आज़म हूँ। अच्छा आप क्या बनना चाहते हैं, इसके ऊपर आप क्या जाना चाहते हैं, क्या कहते हैं कि यार ये हो जाए बात खत्म होगी बात? बिजनेस को मैं बड़ा पसंद करता हूँ जी, बिजनेस टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा पसंद करता हूँ मैं, ये इस फील्ड में बहुत हूँ, शॉपिंग मॉल सोसाइटियाँ ये वो बनाई है। शॉपिंग मॉल अभी तक आपने? काम शुरू है जी, काम शुरू है ये इधर ही इस्लामाबाद में। सोसाइटी भी बनाते हैं सर आप जी? एक बनाई है अपनी पहली। क्या नाम दिया सर आपने उनको? इस्लामाबाद ग्रीन पैराडाइज। अच्छा मुझे सर ये बताइएगा कि फेवरेट हॉबीज में आपकी क्या है, कौन सी गेम को ज़्यादा पसंद करते हैं? गेम का तो मुझे अब टाइम नहीं मिलता, लेकिन स्विमिंग पसंद करता हूँ। करते हैं सर आप स्विमिंग? हाँ अगर बाहर हूँ या पाकिस्तान में कहीं टाइम मिले बिल्कुल करता हूँ। ठीक है, स्नूकर खेलता हूँ, टेबल टेनिस खेलता हूँ, अगर वक्त अगर बन जाए तो। जरदारी साहब को फॉलो करते हैं? नहीं मैं नहीं उन्हें फॉलो करता जी। आज तक फॉलो नहीं किया? नहीं, हर बंदे का अपना शौक है, मेरे बुजुर्ग है मैं उन्हें अच्छा समझता हूँ, लेकिन फॉलो नहीं करता उस तरह। बंदूक तो मेरे वो दोस्त है। जरदारी साहब ने एक डायलॉग बोला था, पहले मैं आपसे पूछ लूं कभी दिल टूटा है आपका? जरदारी साहब ने कहा था हम तो ऐसा दिल नहीं रहती जो टूटे। नहीं मेरा नहीं टूटा जी, बिल्कुल कभी भी नहीं टूटा। जवानी भी नहीं टूटा सर कभी? जवानी तो हमारे पता है ना, जवानी जो बिल्कुल पीक लेवल था ना वो हमारा कैद में था। अच्छा सर मैं दोबारा वापस आता हूँ आपके पास, आपने जिक्र किया सोसाइटी का जी, पहले तो एलिगेशन आप ये लगाया जाता है कि काफ़ी सारे जहाँ कब्जे होते हैं वहाँ पे आपकी टीम का बड़ा हाथ है, मतलब आपका हाथ है या नहीं है, आपकी टीम आपके प्लेयर्स का बड़ा हाथ है, तो सोसाइटी अपनी ज़मीन पे है या गिफ्ट आई है? नहीं अपनी ज़मीन पे जी, दादा से अबू सर मैं टोकू मादर के साथ गिफ्ट आते हैं ज़मीन, कोई गिफ्ट आते हैं? गिफ्ट आते हैं जी बिल्कुल आते हैं। किस तरह के गिफ्ट आते हैं? ज़मीनों की तरह के गिफ्ट आते हैं? नहीं मुझे ज़्यादा लोग गन्ने गिफ्ट करते हैं जी। शौक है आपका? हाँ शौक, ये भी शौक में शामिल है। लाइसेंस बना लेते सर आप? अच्छा ये मैं आपको क्लियर करूँ जी, हर चीज़ का लाइसेंस पाकिस्तान में बनता है, आप फीस वाला बंदा हो तो। फीस जमा कराएं वो भी बैंक में जमा कराएं, सिफारिश कराएं, किस चीज़ का लाइसेंस बैन है मुझे ये समझ नहीं आती जी। नहीं नहीं टाइम होता ना, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर था हमारा लाइसेंस बैन थे अभी, लेकिन आप डीसी का बना लें
डीसी का कब बंद हुआ है, पिंडी का, पंजाब का बना ले, मतलब किसी न किसी तरफ चलता रहता है। सोसाइटीज की तरफ वापस आते हैं कि आपका जो प्रोजेक्ट है जी, मतलब लोग एतमाद करें आपके ऊपर। वाइद ये पहला है कि मैं अपना कर रहा हूँ, मैं जवाब दे हूँ जी, आपके कैमरे में बता रहा हूँ कि मेरी जगह पे कोई मसला हुआ तो मैं आपको जवाब दे। कैसे जवाब देंगे आप? देखिए तो आने तो देंगे नहीं किसी को, डेरे के अंदर नहीं, डेरे पे बात है, सिक्योरिटी इतनी होती है। अब लोग आते हैं, अब वो ज़माना नहीं रहा, लोग दोस्त बहुत हैं, उनसे रब्ता करके सोशल मीडिया पे मेरे वेरीफाइड अकाउंट बहुत हैं, किसी तरीके से पहुंच जाते हैं। सर खोकर से मुलाकात करने का सबसे आसान तरीका क्या है? कोई सवारिश ना कराएं, बस डेरे पे आ जाए अगर बैठा हूँ तो। आपकी गार्ड तो सुना बड़े साथ के अंदर ही नहीं, दुश्मनी है ना जी, मजबूरी है, अगर मजबूरी ना हो तो किसका शौक नहीं होता, समझना चाहिए बिल्कुल। अगर मैं कई दफ़ा जाता हूँ किसी ऐसी जगह तो बाहर रोक लें, तलाशी करें, मैंने आज तक नहीं कहा कि मेरे कपड़ों को हाथ ना लगाओ, तलाशी ना करो, हर बंदे का अपनी दुश्मनी है, हमें क्या जरूरत है। आपकी बात से काफ़ी हद तक इतफाक करता हूँ, जैसे देख लें अशरफ शरीफ साहब के मैटर को आप देख लें, मतलब अब उनके बारे में भी ये कहा जाता था कि मतलब वो बड़े लिमिटेड सर्कल के अंदर रहते थे, वो बड़े लिमिटेड टाइम पे वो निकलते थे बाहर, सिक्योरिटी थ्रेट्स थे। हमें कुरान पाक हुक्म देता है, हमें नबी पाक से सीखा है कि मेरे वालिद साहब ने बड़ा बताया कि उनको पता था अटैक होगा तो वो हिजरत फरमा गए, ये तो हमने सीखा है कि आप अपनी हिफाजत करें। आजकल अब जरा आप टॉपिक को यूं था आगे यूं रखेंगे, पुरानी सारी बातें हम ख़त्म करते हैं, नया टॉपिक शुरू करते जी। आजकल दौर बड़ा तेज़ है, ठीक है सर, पॉलिटिक्स बड़ी तेज़ी से जा रही है, किसके साथ, इमरान खान के साथ या पीडीएम के साथ? जल्दी जल्दी जवाब देंगे सर। इमरान खान किसका पड़ा सा ज़्यादा भारी है, मरियम का या बिलावल भुट्टो का? मरियम का लगा, बिलावल भुट्टो है, बिलावल भुट्टो सरदारी है या बिलावल सरदारी है? ये तो उनको अपना है, वालद का मुकाबला करना है। बिलावल भुट्टो जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी भी सरदारी पहले नहीं होना चाहिए सर, वैसे बाप का नाम तो पहले लगता है, नाना का थोड़ी लगता है। वालदा उनकी बहुत एक आम औरत नहीं थी, वालदा का बहुत नाम, तो ये डिजर्व करते हैं, डिजर्व करते हैं उनकी वालदा बहुत। बिल्कुल ठीक है सर, एक का साथ देना हो तो आप किसका देंगे, मौलाना का या इमरान खान का? इमरान खान का। क्या लगता है सर आपको, इमरान खान इलेक्शन की तारीख लेने में कामयाब हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। बड़ा झुका हुआ आपका खान की तरफ सर। मैं मौलाना साहब को भी लाइक करता हूँ स्कॉलर पे, एज अ मैं उनको पढ़ा बहुत है, लेकिन वाकई में इस टाइम आप ये बात से इनकार नहीं कर, मैं झूठ होगा मैं अगर आपको कहूँ कि वो तेज़ी से ग्राफ ऊपर नहीं आ रहा, यूथ नहीं पसंद करती। अपनी गाड़ियों में से और अपने जानवरों में से किसी एक को चुनना चाहें, किसको चुनेंगे? जानवरों को। अपनी कोई एक ऐसी आदत बताएं जिसका खुद बड़ी पसंद हो यार, सेल्फ लव कहते हैं जिसको, यार ये मेरी आदत बड़ी ज़बरदस्त है। अपने आप से भी इंसान बातें करता था, मैंने बातें करते हैं जेल में करता था, अब नहीं करता। अब पास दोस्त यार होते हैं ना, उधर बहुत टाइम था। चले कोई कैसी आदत है जो आपको बड़ी पसंद है यार? जब कोई मेरे पास मदद के लिए आ जाए पैसों की तो उसमें अल्लाह पाक ने थोड़ा बहुत मुझे सखी रखा है, थोड़ा बहुत मौजूद पास हो मैं दे देता हूँ। सर मिस्टर सुलेमान का सवाल है आपके लिए कि आज तक ज़िंदगी में आपने सबसे एक्सपेंसिव चीज़ क्या खरीदी है? सबसे एक्सपेंसिव मुश्किल सवाल, मैंने आपको बताया गाड़ी होगी या मैंने जद्दा में, क्योंकि सऊदीया बहुत आ जा रहा हूँ तो एक घर है, विला पसंद आया था, शायद वो होगा। ले लिया आपने जी? आपने एक सेकंड से दो सेकंड लेने हैं जवाब देने में, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लेना, ठीक है। मलिक रियाज या आसिफ रज़ादारी? मलिक रियाज या मुस्तफ़ा नवाज़ कोकर? मुस्तफ़ा नवाज़ कोकर। मरियम या इमरान खान? इमरान खान। मीरा या वीना? वीना। वैसे मैं जानता नहीं हूँ दोनों को, आपके नाम जवाब दे दिया। वीना की इसलिए मीरा बोल देते? नहीं मैं जानता ही नहीं हूँ दोनों को, नहीं जानता। नहीं मैं देखता हूँ ड्रामे और ये वो, लेकिन इतना मुझे नहीं पता। मीरा वीना दोनों लड़कियाँ होंगी, लड़कियों के नाम ही है। राणा सनाउल्लाह चौधरी साहब? राणा सनाउल्लाह। काशिफ अब्बासी या अहमद मीर? काशिफ अब्बासी। बिल्कुल ठीक। अच्छा मुझे बताइएगा, मैंने आपकी वीडियोज़ देखी, आपने अभी उमरा हज परफॉर्म किया दोनों, हज आपका पहला था? हज पहला था। कैसा एक्सपीरियंस था? बहुत मज़ा आया जी, उमरे से बहुत डिफरेंट है, मैं सुनता बहुत था, ख्वाहिश थी, अजय अकबर भी आ गया, अल्लाह पाक ने ऐसा एक मौका बना दिया, तो मज़ा आया बहुत, अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो इंशाल्लाह हर साल करूँगा। मैंने तो सर सुना था एक मुफ्ती उल्टी खबर आई थी मार तक, फरुख साहब कहना है कि भाई जी ये आखिरी आज थी। नहीं जी हर साल करूँगा, मुझे जितनी मुशक्क़त है, मैं वॉक का शौकीन हूँ ना, मैं चलता बहुत हूँ, और सऊदीया में अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ की सऊदी गवर्नमेंट ने बड़ी इज्जत दी है, बड़ा दिल करता है दोबारा जाने का। बिल्कुल ठीक। देखने वाले नाज़रीन के लिए कोई पैगाम आपका? यही है कि बस मैं तो यही देता हूँ, नमाज़ पढ़े।
मेरा राज ही है, मेरा कामयाबी का राज ही है। नमाज पढ़ते हैं? मैं पढ़ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बचपन से पढ़ता हूँ और अब और मज़ा आता है। बस एक ही राज है आपका? एक ही राज है, मैं जब ज़्यादा टेंशन भी हो जाए, परेशानी भी हो जाए, तो बस नमाज पढ़ता हूँ, मेरा मसला हल हो जाता है। हाथ खुला है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की ज़्यादा अल्लाह का शुक्र, इस बात पर मैं अपने बहुत खुश हूँ। ये मेरे वालिद साहब ही कहते थे। बिल्कुल ठीक नाज़रीन, आपने देखा फरोख खान खोकर साहब का एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हमने लिया, डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस इनके साथ की, मज़ा आया प्रोग्राम का भी। बड़े इंटेलेक्चुअल किस्म के आदमी है और थोड़ा सा डिफरेंट प्रोग्राम इसलिए किया था कि हर इंसान की एक एक दो ज़िंदगियाँ होती हैं। एक वो ज़िंदगी होती है जिसको आप देख रहे होते हैं, एक वो ज़िंदगी होती है जो आँख और कैमरे के पीछे वाली ज़िंदगी होती है जो इंसान खुद गुजार रहा होता है। जैसे कि उन्होंने कहा कि मैं हर बंदे को वेलकम करता हूँ मेरे डेरे पे, जो भी आना चाहे मैं हर बंदे को वेलकम करता हूँ, पर मेरी मजबूरियों को, मेरी सिक्योरिटी को भी मद्देनजर रखा जाए कि मुझे सिक्योरिटी थ्रेट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से अगर किसी की दिल आज़ारी होती है तो वो उस बात को माइंड ना किया करे। खैर, मुझे अपने होस्ट राजा ज़ैन रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।